नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों से। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सिर फिरे आशिक ने महिला के गले पर मारा चाकू, महिला की हालत गंभीर। फरीदाबाद में नई मुहिम, स्वच्छता प्रतियोगिता में जीतने वाला बनेगा स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। एबीवीपी गुरुग्राम का अभ्यास वर्ग संपन्न, नए दायित्वों की हुई घोषणा। अब नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। किसानों को बातचीत का न्योता देने से पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह की चली केंद्र के साथ मीटिंग, 36 घंटे में ये थी तीसरी बैठक। हरियाणा में हिंदू लड़की से शादी करने के लिए मुस्लिम लड़के ने बदला अपना धर्म, हाईकोर्ट ने दिलवाई सुरक्षा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में वोटिंग की रफ्तार बेहद सुस्त, 4 घंटे में 9% से भी कम हुआ मतदान। देव दीपावली पर वाराणसी में लाखों दियों की रोशनी से जगमगाया काशी। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की ओर। उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण की हुई शादी, एक दूजे के हो जाएंगे आदित्य नारायण और श्वेता, शादी का कार्ड हुआ वायरल। मोनी रॉय ने करवाया ग्लैमरस फोटोशूट, एक्टर का दिखा खूबसूरत अंदाज। अब नई फिल्म बच्चन पांडे में नजर आएंगी जैकलीन फर्नांडिस। अब नजर डालते हैं खेल जगत की ओर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज शुरू करने की आशा, आईसीसी अध्यक्ष बार्कले ने जताई उम्मीद। विराट कोहली के बचाव में आए हरभजन सिंह, कहा कैप्टन बहुत अच्छा है परंतु खिलाड़ियों ने नहीं दिया साथ। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की मौत को लेकर बड़ा खुलासा, कहा गया रिमोट कंट्रोल हथियार से की गई थी हत्या। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने दी गुरु पर्व की सभी देशवासियों को बधाई, कहा गुरु नानक साहब की दया प्रेरक है। वियतनाम में 3 महीने बाद लोकल ट्रांसमिशन का पहला केस, किंग जॉन ने चाइना का लगवाया वैक्सीन। पेट डॉग के साथ खेलते हुए जो बाइडेन के पैर में हुआ फ्रैक्चर, अब पहनना होगा मेडिकल बूट। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहे न्यूज एनसीआर के साथ।